हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो केस स्टडी बेस्ड का है। और सवाल ये है, द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। कोई बोट है और उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में, यानी वन साइड 15 किलोमीटर है। तो डाउनस्ट्रीम जाने और अपस्ट्रीम आने में जो टाइम है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आवर है। यानी कि डाउनस्ट्रीम जब पानी के साथ साथ चलती है और फिर वापसी में पानी के अपोजिट चलती है तो 1 घंटा ज़्यादा टाइम लगता है जब वो अपस्ट्रीम चलती है डाउनस्ट्रीम के कंपैरेटिवली, ठीक है। और हमसे इस इंफॉर्मेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और हमें उनको सोल्व करना है। तो इसको इरेज करके क्वेश्चंस को लिख लेते हैं और हर एक क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से अब आपको समझाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो हमने यहाँ पर उन सभी क्वेश्चंस को लिख लिया है जो हमसे पूछे गए हैं और जो कंडीशन है वो हमें गिवन है कि डिस्टेंस 15 किलोमीटर है वन साइडेड और स्पीड ऑफ बोट 20 किलोमीटर पर आवर है। और हम यहाँ पर जो स्ट्रीम है, करंट है, उसकी स्पीड को और लिख लेते हैं यहाँ पे। लेट स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। तो अब डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है दोनों और अपस्ट्रीम में डिफरेंस होता है। तो हम यहां लिखेंगे सो स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इक्वल टू 20 प्लस एक्स, यानी 20 बोट की स्पीड है और एक्सट्रीम की है वो ऐड हो जाएंगी। स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी। किलोमीटर पर आर हैं ये स्पीड्स, ठीक है। अब हमें जो कंडीशन गिवन है उससे हम इक्वेशन सेट करेंगे और उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे और फिर इनके हम सॉल्यूशंस लिखेंगे, ठीक है। तो कंडीशन हमसे कही है कि इस 15 किलोमीटर डिस्टेंस में अगर हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाएं तो डिफरेंस 1 आवर का है, 1 घंटा का डिफरेंस आता है। अब ज़्यादा टाइम लगेगा अपस्ट्रीम में और कम टाइम लगेगा हमारे पास डाउनस्ट्रीम में। तो ज़्यादा टाइम हमारे पास अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो स्लो है 20 माइनस एक्स, और डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो ज़्यादा है 20 प्लस एक्स। टाइम का डिफरेंस है तो हमने टाइम का फॉर्मूला पुट किया है, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम है जब अपस्ट्रीम है हमारे पास। इस वक्त हमारे पास टाइम है जब डाउनस्ट्रीम है। ये टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, और इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 आवर है, 1 घंटे का डिफरेंस है। तो इस कंडीशन से हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाकर हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 15 कॉमन ले लेते हैं, इनसाइड ब्रैकेट 1/20 माइनस एक्स माइनस 1/20 प्लस एक्स इक्वल टू 1। अगले स्टेप में एलसीएम इज 20 माइनस एक्स एंड 20 प्लस एक्स, इनका प्रोडक्ट आएगा, ऊपर बचेगा 20 प्लस एक्स माइनस। जब भी आपको नेगेटिव के बाद एक से ज़्यादा टर्म लिखनी हो तो ब्रैकेट में लिखिए। तो इनसाइड ब्रैकेट 20 माइनस एक्स इक्वल टू 1, और इस 15 को यहाँ नीचे ले आएंगे हम, ओके। अगले स्टेप में 20 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस में एक्स अपॉन में, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 1/15। यहाँ पर 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x ओवर 20 स्क्वेयर 400 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1/15। अब आगे इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ऊपर से। इसके बाद ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 400 इसका 1 से और 15 का 2 से इक्वल टू 30x।
माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 400 माइनस 30x इक्वल टू जीरो। अब माइनस से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा अपने पास एक्स स्क्वेयर, और इस टर्म को पहले लिख लो, प्लस 30x माइनस 400 इक्वल टू जीरो। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, हमें प्रोडक्ट चाहिए माइनस 400, और यहाँ पर प्लस है तो बड़े वाला प्लस का आएगा और छोटे वाला माइनस का, तो 40 और 10 का प्रोडक्ट वो दोनों फैक्टर आ जाएंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 40x माइनस 10x माइनस 400 इक्वल टू जीरो। एक्स इंटू एक्स प्लस 40 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 40 इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस 40 एंड एक्स माइनस 10 इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक्स प्लस 40 इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस 10 इक्वल टू जीरो। फ्रॉम हियर एक्स इज माइनस 40 एंड फ्रॉम हियर एक्स इज 10। स्पीड नेगेटिव नहीं होती, सो एक्स इक्वल टू 10। जो स्पीड ऑफ करंट है वो हमारे पास 10 किलोमीटर पर आर आ गई। ठीक है, अब हम इन सभी पार्ट्स को सोल्व करेंगे। तो अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर चुके हैं और यहां पर हमारे पास x इक्वल टू 10 आया है जो कि स्पीड ऑफ करंट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आर, फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन अपस्ट्रीम। अब जो x है हमारे पास वो 10 किलोमीटर पर आर आया है, ठीक है, और अपस्ट्रीम हमसे स्पीड पूछी है बोट की, तो स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में जो करंट की स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड होती है बोट की, उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो बोट की स्पीड 20 और उसमें से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 किलोमीटर पर आर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड डिस्टेंस टाइम में रिलेशन क्या होता है, तो हमें मालूम है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम से आती है। यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये उन तीनों में रिलेशन होता है। थर्ड, विच इज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ करंट। हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी हमने सोल्व की है ऊपर, वो हमारे पास थी एक्स स्क्वेयर प्लस 30x माइनस 400 इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। करंट की जो स्पीड है वो हमसे पूछी है, जो हमने अभी कैलकुलेट की थी 10 किलोमीटर पर आर। फाइनली फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मच टाइम बोट टुक इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में बोट ने कितना टाइम लिया है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे आएगा हमारे पास टाइम, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हमें टाइम मिलता है। अब डिस्टेंस 15 है और हमसे पूछा है डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो 20 है पहले से और प्लस में 10 और हो जाएगी, तो 15 अपॉन 30 इक्वल टू 1/2 आर, या फिर आप इसको 30 मिनट्स भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।